अजीब दास्ता, कितना खूबसूरत लफ्ज है ना, दासता। इन्होंने कर दिया अजीब दास्तांस, दास्तांस, दास्तांस क्या होता है? नमस्ते। तो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ अजीब दास्तांस, और मैं अजीब दास्ता बोलूंगी क्योंकि दास्ता को दास्तांस बोलने में मुझे अजीब लग रहा है, और ऐसा अजीब नाम ना मुझे लगता है पक्का करण जौहर ने रखा होगा क्योंकि वही ऐसे बात करते हैं। तो अजीब दास्ता मैंने कल ही देखा है क्योंकि वीकेंड कर्फ्यू लगा हुआ है और ये नेटफ्लिक्स इंडिया ट्रेंडिंग पर चल रहा था नंबर वन पोजिशन पे, और इसमें काफी सारे अच्छे एक्टर्स है। पर अच्छे एक्टर्स होने के बावजूद भी मैंने जब इसका ट्रेलर देखा था ना, तो मुझे इतना प्रॉमिसिंग नहीं लगा। ट्रेलर देखकर ही कोई थोड़ा सा हो जाएगा कि ये बहुत ही एवरेज मूवी है, या आप इसे सीरीज भी बोल सकते हैं क्योंकि चार डिफरेंट स्टोरीज बताई है जो आपको सीरीज की तरह ही लगेगी, जो चार अलग अलग डायरेक्टर्स ने बनाई है। तो बहुत ही एवरेज लगा, कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ही अच्छा है कि आपको इसे देखना ही चाहिए, और इतना भी बुरा नहीं है कि आप इसे ना देखो, तो बहुत ही ओके है, एवरेज है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा और ये बेटर हो सकता था, पर 30 से 40 मिनट में एक कहानी दिखाना थोड़ा सा है मुश्किल, और हर एक कहानी के साथ आपको कोई ना कोई मैसेज मिलेगा जो हमारी सोसाइटी में चीजें होती रहती है। बहुत सारी ऐसी हमारे समाज में चीजें होती है जिसके लोग खिलाफ है, लोग करना चाहते हैं, जो क्राइम नहीं है पर लोग बोलते हैं अरे ये तो गलत है, लोग जज करते हैं, तो वो सारी चीजें हर एक कहानी में दिखाई गई है। अच्छा, तो सबसे पहली कहानी है मजनू। तो इसमें आपने ट्रेलर में देखा ही होगा, आपको समझ में आ गया होगा, एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, हस्बैंड अपनी वाइफ से प्यार करता नहीं है, कोई रिलेशन नहीं बनाना चाहता है क्योंकि वो बोल देता है क्लियरली कि मैं किसी और से प्यार करता हूं। पर किससे प्यार करता हूं? मां बाप एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं, क्यों जबरदस्ती अपने बेटे की शादी करवा देते हैं किसी ऐसी लड़की के साथ जिससे वो प्यार ही नहीं करता है, ना कभी कर पाएगा। क्या ऐसा रीजन है? वो रीजन देखने के लिए आप ये खुद देखना, मैं स्पॉयलर्स इतने नहीं देना चाहती हूँ, कोशिश करूंगी ज्यादा स्पॉयलर्स ना हो यहाँ पर। और आपने इसमें एक तीसरा कैरेक्टर भी देखा होगा, फिर उसका अफेयर चलने लगता है, सना फातिमा क्या नाम है, हाँ उस एक्ट्रेस के साथ अफेयर चलने लगता है, और फिर क्या होता है, फिर थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। ये थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में ना ऐसे टीवी सीरियल और क्राइम पेट्रोल जैसा लगेगा, पर बाद में लास्ट में एकदम एक ऐसा ट्विस्ट आएगा, तो वो ट्विस्ट आप खुद देखना। और वही प्रॉब्लम हमारे समाज में बहुत ज़्यादा होती है, लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था, कुछ ना कुछ ऐसे मैसेज या सोशल इशू जो होते हैं, प्रॉब्लम्स है लोगों की लाइफ में आ रही है समाज की वजह से, लोग की वजह से, तो वो भी दिखाई गई है। तो दूसरी कहानी थी खिलौना, और ये जब मैंने देखी ना 15-20 मिनट हुए, मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई। इसको देखकर भी आपको क्राइम पेट्रोल की याद आएगी कि दिखा रहे हैं मेड है, चोरी कर लेती है, कुछ सामान उठा लेती है, झूठ बोलकर मीठी मीठी बातें बनाती है जहाँ पर काम करती है अपने काम निकलवाने के लिए। फिर जो अमीर लोग भी होते हैं वो भी मेड को गलत नज़र से देखते हैं, सब नहीं मतलब कुछ ऐसे होते हैं, ये चीज़ दिखाई है। फिर अमीर गरीब का जो डिफरेंस होता है, क्लास डिफरेंस होता है, कैसे वो एक दूसरे के साथ ये चीज गलत कर रहे हैं। जैसे वहां पर देखो गरीब इंसान भी कुछ चोरी कर रहा है अपना काम निकलवाने के लिए, कुछ है ना फेक कर रहा है, और फिर एक अमीर आदमी भी है वो उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो ये चीज दिखाई है जो हम बहुत ज्यादा क्राइम पेट्रोल सावधान इंडिया में देखते हैं, तो इस वजह से मैं बोर हो गई। मैंने सोचा इसको छोड़ देना चाहिए, पर मैंने सोचा अब देख रही हूं तो पूरा ही इसे कंप्लीट कर लेती हूं, वीडियो भी बनानी थी। और इसमें बच्ची भी है, उसने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, और यहां पर जो मैसेज था ना इस वाले में, आपको ये डिफरेंस तो दिखाया ही गया है अमीर का गरीब का, और ऐसा नहीं दोनों ही अपनी अपनी जगह थोड़ा गलत है, पर बच्ची के आगे ये आपने क्या देखा इसमें, जिसने देखा होगा उसको समझ में आया होगा कि बच्चों के आगे कुछ ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे उनके दिमाग पर असर पड़े, जो वो सोच ले कि नहीं यही सही है या यही गलत है। क्योंकि बच्चे को बोलते हैं ना कि वो तो चिकनी मिट्टी की तरह होते हैं, जैसे बनाओगे वैसे बन जाएंगे, तो वो चीज़ इसमें दिखाई है। लास्ट में देखना, लास्ट में तो मैं ऐसे हो गई कि हुआ क्या, थोड़ी देर के लिए ऐसा हुआ था कि भाई हुआ क्या, तो मुझे टाइम लग गया समझने में, मुझे लगे 5-10 मिनट, मैंने सोचा क्या हुआ ये, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या हुआ ये और कैसे बच्चों के आगे कुछ ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनके दिमाग पर बहुत जल्दी असर पड़ता है। तो तीसरी कहानी थी गीली पुच्ची, और इसका नाम मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा, बड़ा ही जो सड़क छाप रोमियो होते हैं ना, तो वो जैसी बातें करते हैं उस टाइप का नाम लग रहा है, खैर कोई बात नहीं। और कहानी भी थोड़ी लंबी लगेगी, आपको लगेगा कि बस खींच रहे हैं, पर मैसेज बहुत अच्छा था। जैसे जो कास्ट डिफरेंस होता है हमारी सोसाइटी में, और अभी भी होमोसेक्सुअलिटी को लेकर लोग खुलकर बात नहीं करते हैं, तो कास्ट डिफरेंस इसमें दिखाया गया है। सबसे ज्यादा फोकस तो उसी पर करा गया था, कास्ट डिफरेंस पे, कि कितना ज्यादा लोग डिफरेंस कर रहे हैं। प्यार में भी जब बात आती है, तो जब
किसी को कुछ किसी से अट्रैक्शन होने लगता है, तो जब उसने अपनी असली कास्ट बताई तो लड़की दूर भाग जाती है। वो तो आपने देख ही लिया होगा कि दोनों का रिलेशन का कैसे दिखाया गया है ट्रेलर में, आपको क्लियर ये चीज़ हो गई होगी। तो उसी के अप्स एंड डाउन्स क्या होते हैं, और एक्टिंग कोंकणा सेन शर्मा बहुत ही फ्लॉलेस एक्ट्रेस है, बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। मैंने उन्हें आज तक किसी भी मूवी में देखा है ना, उन्होंने इतनी अच्छी नेचुरल एक्टिंग कर दी है ना कि मुझे लगता ही नहीं कि कोई एक्टर इसको प्रस्तुत कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल नहीं लगता ऐसा। ऐसा लगता है कि कोई सही में ऐसा इंसान है जिसको मैं देख रही हूँ। और फिर ये कुछ बेवकूफ़ लोग बातें करते हैं कि हमारे देश में तो फीमेल एक्ट्रेस ही नहीं है कोई अच्छी। कोंकणा सेन शर्मा क्या इतनी अच्छी एक्ट्रेस है अपने सात जन्म में जो ऐसी बातें करते हैं, वो ऐसी एक्टिंग ना कर पाई, इतनी अच्छी एक्टिंग करती है कोंकणा सेन। फिर दूसरी एक्ट्रेस है इसमें ये अदिति राव, तो मतलब ठीक थी, मतलब उनका कैरेक्टर ही अनोइंग था, एक्टिंग अच्छी करी है, कैरेक्टर का काम ही था, वो थोड़ा सा अनोइंग कैरेक्टर था, इस वजह से थोड़ा मैं इरिटेट हो गई उन्हें देखकर, यू ऐसे करके बात करना, पर वो रोल ही ऐसा था। खैर, पर इसमें ये दिखाया है कि कैसे कास्टिज्म होता है अभी भी, और इस लोग खुलकर अपने रिलेशन को सामने नहीं ला पाते हैं, तो वो चीज़ दिखाई गई है और ठीक थी ये भी कहानी, एक्टिंग बहुत अच्छी करी है दोनों ने। तो आखिरी कहानी थी अनकही। तो अनकही के भी ट्रेलर में आपने देखा होगा कि एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनके झगड़े हो रहे होते हैं इस वजह से क्योंकि उनकी बेटी सुन नहीं पाती है, तो उनको साइन लैंग्वेज सीखनी होती है, तो वाइफ तो सीख जाती है साइन लैंग्वेज, अपनी बेटी से साइन लैंग्वेज में ही बात करती है, पर हस्बैंड को टाइम नहीं मिलता है, तो दोनों के रिश्ते खराब होने लगते हैं, बहुत ही झगड़ा होने लगता है। और एक दिन वाइफ टहलते टहलते बाहर कहीं ऐसे ही जाती है, किसी गैलरी में जाती है, वहां पर उन्हें एक आदमी मिलता है, तो इशारों इशारों में उनकी बात होती है क्योंकि वो आदमी भी सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, तो इशारों में ही उनको प्यार हो जाता है, जो प्यार देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा, जो उनका रोमांस है बिना किसी डायलॉग के, बिना कुछ बोले हुए, साइन लैंग्वेज में ही जो रोमांस होता है, थोड़ी देर के लिए ही है पर अच्छा लगता है। पर लास्ट में कुछ ऐसा होता है कि मानव कौल का दिल टूट जाता है। मानव कौल और शेफाली शाह इसमें जो बहुत ही अच्छे एक्टर है, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, पर कहानी में इतना कुछ ऐसे दम नहीं था, पर ये चीज़ दिखाई है इसमें कि कैसे रिश्ते हो गए हैं, किस टाइप के रिलेशनशिप्स हो गए हैं ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, कि हस्बैंड वाइफ के थोड़े से भी झगड़े हुए, हस्बैंड बाहर चला गया या वाइफ ही बाहर चली गई, इसमें तो खैर वाइफ का बाहर अफेयर चलने लगता है, पर वो गलत है। किसी भी तरीके की चीटिंग आदमी करे या औरत करे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ठीक नहीं है। तो वही चीज़ इसमें दिखाई है कि इसे अफेयर चलने लगता है छोटी छोटी बातों पर, कुछ ऐसा खास मैसेज तो नहीं है, बस इतना ही है कि किस टाइप के रिश्ते हो गए हैं ऐसे शहरों में। तो ओवरऑल ये बहुत ही ओके टाइप का शो है, और शो ही निकल रहा है, वैसे तो ये मूवी है पर शो इसलिए निकल रहा है क्योंकि इसमें अलग अलग कहानियाँ दिखाई गई है, तो इस वजह से तो एवरेज है ये, 2.5 स्टार्स में इसको दूंगी, और इतना भी कुछ खास नहीं है कि आपको मिस नहीं करना चाहिए, ज़रूर देखना चाहिए ऐसा भी नहीं है, पर बुरा भी नहीं है, इट्स नॉट बैड, यू कैन वॉच इट, इट्स स्मूथ, इट्स स्लो, पर ठीक है, टाइम है, मन है, तो आप देख सकते हैं। और बस इतना ही था इस रिव्यू के लिए, आपको पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, और सोशल मीडिया पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उनके भी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाय।